बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुपीरियर कॉलेज जहानिया से अशरफ़ अदी मशदी का सलाम कबूल कीजिए मेरे साथ चैनल छप्पन के एंकर पर्सन बरादरम साजिद इकबाल खटक साहब मौजूद हैं जो इस सारी रिकॉर्डिंग को कवर कर रहे हैं मैं इस वक्त ऑफिस में बैठा हूं और मेरे साथ चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब बैठे हैं जो प्रिंसिपल हैं सुपीरियर कॉलेज जहानिया के माशाल्लाह पढ़ी लिखी फैमिली से तल्लक है ख़ुद भी माशाल्लाह एम इंग्लिश एम इस्लामियात और दरस नज़ामी भी इन्होंने कर रखा है वसी तजर्बा रखते हैं इससे पहले कंपनी हिन्से कॉलेज दो हज़ार सात से दो हज़ार अट्ठारह तक ये चलाते रहे और इस अरस में इन्होंने तलीम के मैदान में ए, बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की बोर्ड्स के इम्तहान में इनके तलबा हमेशा अच्छी पोजिशनें लेते रहे मैंने चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब को देखा है कि ये धीमे मिजाज के आदमी हैं उन बैट्समैनों की तरह जो सर झुका के बैटिंग करते हैं और हर गेंद को ए, हर बाउंसर को हर गुगली को मेरठ के हिसाब से खेलते हैं मैंने इनको कभी बड़ी बात करते नहीं देखा धीमे मिजाज के आदमी हैं और बड़े अच्छे अंदाज में अपने इदारे को चला रहे हैं इनका एक जहन है कि किसी को छेड़ो ना और किसी को छेड़ने ना दो इस असूल के तहत इन्होंने अब तक काम किया है और इस हिसाब से ये कामयाब जा रहे हैं सुपीरियर कॉलेज इन्होंने ए, 2018 में शुरू किया और अब तक माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ इन्होंने सफ़र शुरू किया है 1100 के करीब इनके मा के पास तादाद है और मैं इनके इस की फहरिस्त देख रहा था जिनकी तादाद चौंतीस है माशाल्लाह तमाम ही स्टाफ अली तलीम याफ़्ता है और इनके कॉलेज की तलीमी हालत लोगों की निगाहों में है आप जानते हैं कि जहानिया में कुछ और कॉलेज भी हैं जिन्होंने अपने लश के ज़रिए अपने लंबी चौड़ी एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए यूं महसूस करवाया कि यह जैसे सिर्फ एक ही इदारा यहाँ मौजूद है लेकिन इन्होंने बड़े धीमे अंदाज से अपना काम जारी रखा और लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई और मेरा दिल कहता है कि इस तरह के लोग आहस् आहिस्ता स्लो एंड स्टडी विन्द रेस वाली सूरत हाल है किसी की तनकीद की परवाह नहीं करते जो भी काम करना होता है वो करते रहते हैं वो किसी शायर का शेर है कि काम से काम उनको गोह आलम नुकता चें रहते हैं बत्तीस दांतों में जबानों की तरह मैं आज दूसरी मरतबा सुपीरियर कॉलेज में आया हूँ और मुझे खुशी हुई कि यहाँ बाकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ इंट्री क्लास की तादाद क्लास भी जारी है जो जहानिया के लिए नेक शगुन है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्टार अकेडमी मुल्तान या दूसरी एकेडमी से रबता करते हैं आने जाने की सऊबत बर्दाश्त करते हैं और लंबी चौड़ी पेमेंट उन्हें करना पड़ती है जबकि चौधरी साहब ने मुनासब अंदाज में यहाँ फीसें रखी हैं और तलबा वालबात इस्तफा कर रहे हैं मैं इनके काम को देखते हुए मैं इनके नाम को देखते हुए इस शेर के साथ अपनी गुफ्तु को समेट रहा हूँ और इसके बाद वो अपने ख्याल का इजहार करेंगे वो शेर है कि खुदा करे जिस सिलसिले रवा रहें दवा रहें खुदा करे जिस सिलसिले रवा रहें दवा रहें इस तरह के काम में हौसले जमा रहे परचमे तालीम को बुलंदियाँ नसीब हूँ उस समय को देखने को ए हम सभी करीब हूँ अल्लाम वह यह साजद इकबाल खटक साहब जो चैनल फिफ्टी सिक्स जहानिया से तशरीफ़ लाए हैं और उनके साथ तशरीफ़ लाए हैं सदाए जहानिया सदाए जहानिया चैनल से सैद अशरफ अदीब मशहदी साहिब जो कि जहानिया की एक बहुत मरूफ़ शख्सियत हैं सर एजुकेशन के लिहाज से एक एजुकेशनस्ट की हैसियत रखते हैं और अदब के लिहाज से भी सर का बड़ा नाम है माशरे पर भी जहर बड़ी नज़र है माशा और जहानिया की तारीख के लिहाज से खसूस आपने किताबें भी तसनी फरमाई हैं और ये इनतहाई मसरूफ़ीत के बावजूद ये इस लिहाज से जहानिया के लिए सर की बहुत ज़्यादा खदम हैं साजिद इकबाल साहब जो कि बड़े एक्टिव पर्सनलिटी हैं चैनल फिफ्टी सिक्स जहानिया के लिहाज से मैं सर आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहर के काम तो और भी बड़े होंगे आप जहानिया के मसाइल भी उजागर करते होंगे लेकिन आपका इनतहा शक्रिया के आपने एजुकेशन के लिए वक्त निकाला है अदारों के लिए वक्त निकाला है वैसे तो ये मार्केट के लिहाज से कई किस्म के ये बातें हो सकती थी लेकिन मुझे सर आप दोनों पे बड़ा फ़ख्र है कि एजुकेशन के लिहाज से आपने ना सिर्फ वक्त निकाला बल्कि भरपूर अंदाज से वक्त निकाला है सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच तो ये सुपीरियर के लिहाज से ये सुपीरियर में साजद इकबाल खटक साहब का और सैयद अशरफ अदीब मशदी साहब का यहाँ तशरीफ़ लाना हमारे लिए इज्जत है बाईस एजाज़ है बाईस फ़खर है सुपीरियर कॉलेज जहानिया जो कि 2018 में यहाँ लॉन्च किया गया है इससे पहले भी ज़हर है कि मेरा यहाँ जहानिया में तालीमी कैरियर तो तलीमी कैरियर भी जहानिया का ही है और बाकायदा टीचिंग के लिहाज से टीचिंग की तरफ़ आना नाइन्टी से है सर नाइन्टी से पढ़ाना शुरू किया था गवर्नमेंट कॉलेज जहानिया से आनररी लेक्चरर के तौर पर इंग्लिश के आनररी लेक्चरर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया था फिर 2007 में कंपनी साइंस कॉलेज बनाया और वो 2018 तक अल्लाह ताला ने उस कॉलेज में हमें इज़्ज़त भी दी सब कुछ दिया ख़मत भी अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई सबसे बड़ी तो ख़दमत ही होती हैं सर और फिर दो में सुपीरियर कॉलेज जहानिया और अब तक इसी में है तो सुपीरियर कॉलेज जहानिया के लिहाज से थोड़ा सा तारफ़ करवाना ज़रूरी समझता हूँ हमारा सुपीरियर कॉलेज जिसके पाकिस्तान भर में सैकड़ों अदारे हैं सैकड़ों फ्रेंचाइज़ हैं हेड इसका लाहौर में है और ये बाकी मार्केट के और भी बहुत सारे ब्रांड हैं एजुकेशन में लेकिन एजुकेशन में सुपीरियर कॉलेज का एजुकेशन में कहीं ज़्यादा नाम है वास्ट भी है खिदमत ज़्यादा हैं कैसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये वाहद ग्रुप है जिसका अपना मेडिकल कॉलेज है अजरा नाहद मेडिकल कॉलेज लाहौर किसी और ग्रुप का अभी अपना मेडिकल कॉलेज नहीं है और दूसरा इस ग्रुप की अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है सपीर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के शोबे हैं वैसे तो और ग्रुप्स के भी यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन ज़्यादातर बिज़नेस या फिर कंप्यूटर साइंस के शोबे उसमें पाए जाते हैं लेकिन सुपीरियर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग और ऐसे सिविल एविएशन के शोबे हैं आ, और भी बहुत सारे शोबे हैं जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने मुतारफ करवाए हुए हैं इसके साथ साथ हमारे ग्रुप का अपना डेंटल कॉलेज है डॉक्टर मोहम्मद अकरम डेंटल कॉलेज लाहौर के नाम से किसी और ग्रुप का अपना डेंटल कॉलेज नहीं है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस ग्रुप का अपना डेंटल कॉलेज है तो हम ये बात कह सकते हैं कि सुपीरियर ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो एफ एस सी से लेकर और फिर बी एस प्रोग्राम और फिर एम बी बी एस बी डी एस डी डी और फिर तकरीबन दो सौ नौ मुख्तफ़ डिपार्टमेंट्स हैं यानी एम फिल और एम फिल के बाद पी एच डी तक पूरा तालीमी कैरियर यह सहूलत देते हैं सुपीरियर वाले तो हर लिहाज से यह सुपीरियर हर शोबे में अल्लाह के फजल से बेहतर से बेहतर बल्कि सेरूज अल्लाह ताला इसको देता जा रहा है और अब तो एक लेटेस्ट गूगल में सर्च करके देखा जा सकता है कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी जिसको पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर में नंबर वन रैंकिंग दी गई है सर तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ये भी सुपीरियर के लिए एक एजाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह जहानिया के लिहाज से बात करें तो सुपीरियर कॉलेज जहानिया जो 2018 से लॉन्च हुआ है ये पाँचवा साल है इसको तो ये कॉलेज अपनी चंद इनफरादियत इसमें इस ऐसी हैं कि जिसमें मुमताज़ है पहली चीज़ स्टाफ होता है किसी भी अदारे के लिहाज से उसकी बिल्डिंग गो वो भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा ज़रूरी तो किसी भी अदारे का स्टाफ होता है तो अल्लाह का शुक्र है कि सुपीरियर कॉलेज जहानिया का मेन स्टाफ तकरीबन पर्मानेंट है यहाँ का स्टाफ तब्दील कम से कम होता है थोड़ी बहुत तब्दीली तो कर हर जगह है लेकिन यहाँ का स्टाफ कम से कम तब्दील होता है अल्लाह का शिक्र है और दूसरी इम्पॉटेंट बात के सुपीरियर कॉलेज के लिहाज से कि ये यहाँ की कमिटमेंट एक है ये नहीं एक बात कमिटमेंट कर ली और फिर एक महीने के बाद दो माह के बाद या फिर रिटर्नें चली गई तो कमिटमेंट बदल जाए यहाँ की कमिटमेंट अल्लाह के फजल से एक ही रहती है दो साल एक ही कमिटमेंट रहती है उसमें तब्दीली नहीं आती अल्लाह के फज़ल से तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है और टेस्टिंग सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है कैसे वैसे तो हर साल की हमारी थोड़ी सी तब्दीली के साथ पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है इस साल के लिहाज से सितंबर में यानी सितंबर 2022 से लेकर और फिर अप्रैल एंड तक अप्रैल 2023 तक तकरीबन हमारा ये नौ माह का टेस्टिंग सिस्टम चलना है यानी पहले अमूमा हमारी सीरीज़ चलती थी जनवरी में लेकिन अब तो सितंबर में डेली टेस्ट सिस्टम हम लेके आए हैं इस साल से हमारा सिलेबस तकरीबन तो दिस, दिसंबर में एंड होगा पंद्रह दिसंबर को सिलेबस इंशाल्लाह एंड हो जाएगा और तैयारी के लिहाज से जनवरी एंड तक जनवरी 2023 एंड तक हमारी सीरीज़ एक दफ़ा कम्प्लीट हो जानी है बच्चों का सारा सिलेबस इनशाला तैयार हो जाना है और फिर वन सिक्सथ और वन फोर्थ और हाफ़ और फुल फुल बुक के टेस्ट ये हमारी सीरीज़ फिर उसके बाद स्टार्ट होनी है तो इस अंदाज से ये बात हम अमूमन हर साल ही कहते हैं और इसको साबित करके भी देते हैं कि सुपीरियर कॉलेज जहानिया में दाखिला लेने वाले तलबा ना सिर्फ टाइम पे सिलेबस ख़त्म करते हैं बल्कि टेस्टिंग भी टाइम पे कंप्लीट करते हैं और इनको अमूमन ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती ये बात हम हर साल ही करते हैं ये हमारे बच्चे ट्यूशन फ्री होते हैं ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है हाँ कोई शौक से पढ़े तो वो हम रोकते भी नहीं हैं लेकिन ज़रूरत महसूस नहीं होने देते बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया